नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से तारापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये पटना के कह सकते हैं कि बीएमपी ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही क्षणों में जो है तेजस्वी यादव यहां से रवाना हो जाएंगे और तारापुर जाएंगे। उनके साथ संजय यादव मौजूद हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं डीटीवी भारत पर, किस तरीके से हेलीकॉप्टर से, देखिए एक दूसरी हेलीकॉप्टर भी यहाँ लगी हुई है और एक हेलीकॉप्टर यहाँ देख रहे हैं जो तेजस्वी यादव का है, जिससे तेजस्वी यादव जो है वो जाएंगे पटना। अधिकारियों ने कोई बात नहीं सुना, लेकिन एक सवाल और, लालू जी जब पटना आ गए हैं और अब की क्या रणनीति है? नहीं, अभी आप आए हैं दिल्ली में, रणनीति की क्या बात है? लोगों का प्यार जो है वो खींच लाए, क्या सरकार भी खींच जाएगी? अरे भाई, अभी सब बात का समय नहीं, अभी तो पहला बात है भाई, चुनाव है, हम लोग लगे हुए चुनाव। तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव है और चुनाव प्रचार के लिए हम लोग निकले हुए हैं। यही हेलीकॉप्टर है, चुनाव है, निकलने वाले किशोर स्थान में दो जगह है और तारापुर में दो जगह है। और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं, ये तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर है जिससे वो तारापुर रवाना होंगे। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये मुकेश सैनी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके हेलीकॉप्टर है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर है, तेजस्वी यादव निकलने वाले। और देखिए, लोगों ने कहा कि भाई कई अधिकारी को फोन किया गया, लेकिन किसी ने जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। लालू जी कल देर रात आए, क्या लग रहा है कि अब आरजेडी कहीं ना कहीं पहले से और ज्यादा स्ट्रांग होगी और बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे? लालू जी तो लगातार राष्ट्राध्यक्ष रहे, चुनाव प्रचार, अब वो दिल्ली रहे पटना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पार्टी मजबूत थी, मजबूत है, तो ये कहीं लालू जी कहीं भी रहे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? लेकिन पार्टी तो बड़ी मजबूत है और लालू जी राष्ट्राध्यक्ष हैं। प्रचार के लिए निकलेंगे लालू जी? अभी हम लोग कंसल्ट कर लेंगे, जैसा है डॉक्टर जैसा राय देंगे उसी हिसाब से। भक्त चरण दास जी को जिस तरीके से उन्होंने जो शब्द कहे उस पर क्या कहना चाहेंगे? दोनों भाइयों के बीच जो मतभेद है उस पर क्या कहेंगे तेजस्वी आप? किस कल रात में भी जिस तरीके की तस्वीरें आई कि तेज प्रताप देर रात तक धरने पर बैठे रहे, फिर लालू जी कहने के बाद एजेंडा होना चाहिए। जनहित के बारे में अगर कोई सवाल है तो आप पूछे, हम जरूर उसका जवाब देंगे। ये बड़ा सवाल है दोनों। अच्छा तेजस्वी जी, एक छोटा सा पूछेंगे तेजस्वी जी, एक सेकंड। तेजस्वी जी जो है वो हेलीकॉप्टर से तारापुर, छोटा सा कहा जहां बताइए। तेजस्वी जी हमारे साथ इस वक्त हैं। तेजस्वी जी कुशेश्वर स्थान जा रहे हैं, क्या वहाँ दोनों जगह और दोनों जगह लोग जो है डबल इंजन सरकार से आक्रोशित है, गुस्से में। आप नीतीश कुमार जी को चैलेंज करते हैं कुशेश्वर स्थान अगर जा रहे हैं चुनाव प्रचार, तो सड़कों पे थोड़ा तीनों ब्लॉक जरा घूम ले बाय रोड, जरा घूम करके देखें। अच्छा, आप लालू जी आ गए हैं लेट हो गया दिल्ली से, अब यहाँ पर आ गए, तो अब क्या वो चुनाव प्रचार में भाग लेंगे? आपने कहा था कि वो जिला में आएंगे, लेकिन चल नहीं करेंगे, चल नहीं करेंगे। डॉक्टर जो है वो जब तक आखिरी समय तक जब तक देखेंगे नहीं, मॉनिटर नहीं करेंगे। अच्छा, ये वहाँ पर विकास पुरुष का एक्टर लगा है तारापुर में, हम नहीं जानते कौन क्या लगाता है, नहीं लगाता है। बिहार की जनता का मन जो है उठ चुका है मोदी की सरकार के ऊपर। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, कल जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से किया, उन्होंने एक सवाल उठाया कि उनके मन में, भाई के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने आपके एटीसी का हो गया भाई, फिर हो गया ना, तो नेशनल के बारे में सवाल है वो हम लोग जवाब देंगे, साथ ही एयरपोर्ट नजदीक है ना, इससे कोई ये कोई एजेंडा नहीं। चलिए देखिए कि चलिए, तो तेजस्वी यादव निकल रहे हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से जब तेज प्रताप यादव के बारे में लेकर पूछा गया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो चुप्पी है वो जरूर ये बयां करती है कि जो आपसी कलह है वो फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। हालांकि लालू प्रसाद यादव
पटना आ गए हैं, डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखिए कुछ ही क्षणों में जो है वो तेजस्वी यादव यहां से उड़ेंगे और सीधा कुशेश्वर स्थान जाएंगे और उसके बाद तारापुर का भी उनका कह सकते हैं कि जनसभा है और उसके बाद वापस पटना आएंगे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से तेजस्वी यादव उड़ान भरेंगे पटना से। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए अब हेलीकॉप्टर जो हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आवाज़ आ रही है और अब कुछ ही क्षणों में देखिए तेजस्वी यादव उड़ान भरने वाले हैं। एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं डीटीवी भारत पर किस तरीके से जो उड़ान है तेजस्वी यादव का वो आपको भरता नज़र आएगा। सावधानी बरतनी पड़ती है इसलिए हम आपको दूर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर है वो अब यहाँ से उड़ान भरने वाला है। देखिए एटीएस द्वारा इन्हें अब इजाजत मिल गई है। देखिए धीरे धीरे जो है देखिए अब कुछ ही क्षणों में जो है तेजस्वी यादव पटना से उड़ान भरेंगे और कुशेश्वर स्थान जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं डीटीवी भारत पर किस तरीके से तेजस्वी यादव यहां से रवाना हो रहे हैं। उनके साथ संजय यादव भी मौजूद हैं और पूर्व केंद्र मंत्री भी मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव के प्रचार को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम आगे बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से विचार कर रहे हैं, अगर स्थितियां बनती हैं तो ज़रूर वो भी प्रचार में जाएंगे। देखिए अब कुछ ही क्षणों में जो है वो उड़ान भरेंगे तेजस्वी यादव यहाँ से। और आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर और लगा हुआ है जो कि मुकेश तक वापस तेजस्वी यादव पटना आ जाएंगे और फिर एक्सक्लूसिव।
अब किसी वक्त भी तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भर सकता है। देखिए एटीएस के द्वारा इन्हें अब परमिशन मिल गई है उड़ान भरने की। अब कुछ ही क्षणों में तो कह सकते हैं तेजस्वी यादव यहाँ से उड़ान भरेंगे और कुशेश्वर स्थान जाएंगे और वहाँ से तारापुर का भी उनका दौरा है और शाम तक पटना आ जाएंगे। देखिए पिछले बार उन्होंने 3 दिवसीय दौरा जो था वो किया था। देखिए इन्हें परमिशन दे दी गई है और अब यहाँ से उड़ान भरेंगे। आप देख लीजिए जो एटीएस के लोग हैं वो वहाँ से हट गए हैं या ट्रैफिक कंट्रोल के जो कर्मी हैं वो यहाँ से हट गए हैं और अब कुछ ही क्षणों में तेजस्वी यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो अब उड़ान भरने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके की जो माहौल है यहाँ बना हुआ है। देखिए इसलिए नहीं उड़ रहा था क्योंकि जो पटना एयरपोर्ट से है वो विमान उड़ान भर रहे थे, इस वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ाने की परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन अब देख सकते हैं कि जो हवाई जहाज़ है वो उड़ चुका है और अब तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ने का इजाज़त मिल गया है। कुछ ही क्षणों में तेजस्वी यादव देखिए अब उड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो जमीन से ऊपर उठ चुका है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ईटीवी भारत पर। साफ तौर पर आपने देखा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और शाम तक जो है तेजस्वी यादव वापस पटना चले आएंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।